Welcome back in Career World Education of Online Support. मैं राहुल कुमार जो कि आप लोग के लिए लाता हूँ अच्छे अच्छे educational and technical tips. तो आज के इस वीडियो में मैंने आज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे गए इंग्लिश क्वेश्चन के ग्रामर पोर्शन का काफी एनालिटिक रूप से सॉल्यूशन किया है. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन संतुष्ट करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह से 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए सवालों का मैं हल करता रहूं. एग्जाम में पूछे जाने के बाद मैं हल करूं, आप घर में आके मिला लें कि आपका कितना नंबर मार्क्स अबाउट आ सकता है. तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो शुरू करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 10th में पूछे गए इंग्लिश क्वेश्चन का यहाँ पे ग्रामर पोर्शन है. इज़ ही राइटिंग ए स्टोरी. तो इज़ ही राइटिंग ए स्टोरी जो हमारा है उसको हमको करना है पैसिव में चेंज. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं और ये यस नो इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है. तो हमारा जो पैसिव बनेगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से. अब आइए तो ए स्टोरी जब आगे जाएगा तो ए स्टोरी उसके बाद ये एस नो इंट्रोगेटिव है तो ए स्टोरी के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब इज भी आगे ही रहेगा. तो ए स्टो इज ए स्टोरी उसके बाद राइटिंग का आई एन जी बिंग में बिंग उसके बाद राइट का भीतरी रिटर्न बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम क्वेश्चन मार्क. इज ए स्टोरी बिंग रिटन बाय हिम तो 31 का ऑप्शन नंबर बी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर. बी शुड नॉट पनिश्ड हिम. बी शुड नॉट पनिश्ड हिम इसका हमको करना है पैसिव. तो सबसे पहले ये शुड यानी ये है मॉडल वर्ब. तो मॉडल वर्ब का बी से बनता है यानी कि शुड है तो शुड बी, उड रहता तो उड बी, बिल रहता तो बिल बी. चलिए ये तो हिम आगे जाके ही, शुड का शुड, नॉट का नॉट, उसके बाद मैंने अभी बताया कि बी लगेगा शुड नॉट बी, पनिश का भीतरी पनिश्ड बाय बी का अस. तो ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस ऑप्शन नंबर सी. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सी हेल्प्ड मी. सी हेल्प्ड मी डेट मीन्स कि मी चला गया आगे. ये अब हमारा है पास्ट इंडिफिनिट. पास्ट इंडिफिनिट ये सब्जेक्ट वी टू और ये ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आगे चला गया आई. पास्ट इंडिफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बाज बेयर लेता है तो यहाँ हो गया बाज. हेल्प्ड वी टू था, यहाँ वी थ्री है, दोनों सेम होता है वी टू वी थ्री. तो आई वॉज हेल्प्ड बाय और उसके बाद सी का हर. तो आई वॉज हेल्प्ड बाय हर. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब यहाँ जो है जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है यानी कि नरेशन करना है. तो आइए सी शुड, सी सेड टू हर डॉटर, सी सेड टू हर डॉटर स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ. तो आइए इसका हम करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो सबसे पहले ये देखते हैं तो ये हमारा एक एडवाइस है तो ये सेड टू बदल जाएगा एडवाइज्ड में यानी कि सी एडवाइज्ड हर डॉटर, सी एडवाइज्ड हर डॉटर. उसके बाद ये जो हमारा ये आता है इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा आता है यानी कि ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस उसमें इन्वर्टेड कॉमा टू से टूटता है. तो सी एडवाइज्ड हर डॉटर टू स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर हो गया सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट हमारा सी है तो हर लाइफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 35 ही सेज आई एम गोइंग टू पटना. ये एक सिंपल सेंटेंस है तो ही सेज का ही सेज इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदल जाएगा ही में. तो ही सेज डैट ही, अब उसके बाद ये प्रेजेंट में है तो यहाँ भी वर्ब में किसी तरह का चेंज नहीं होगा. तो ही इज गोइंग टू पटना. तो डैट मीन्स ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, ही सेज डैट ही इज गोइंग टू पटना. तो 35 का ऑप्शन नंबर बी. अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसके अंदर में WH क्वेश्चन वर्ड है. तो WH क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न तो सेड बदल जाएगा आस्क्ड में और उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए डैट वगैरह नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर बी छट गया. अब आइए देखते हैं. He asked me what. अब ये चूंकि said था तो ये past में जाएगा भैया. तो past में जाएगा तो I, what you want. You हो गया I के अनुसार, you हो गया me के अनुसार, I, what I wanted. यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है. आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं. राइस एंड करी. देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक साथ आते हैं और ये सिंगुलर माने जाते हैं. राइस एंड करी एंड से जुड़ा हुआ है, हो दो है, होता दो है लेकिन इसको हम साथ में ही खाते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस, है ना. तो स्लो एंड स्टडी एक साथ आता है तो वहाँ बिल्कुल वैसे होता है, सिंगुलर माना जाता है. तो राइस एंड करी सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ इज लगेगा 37 का इज.
अब आइए क्वेश्चन नंबर 38। हम सभी जानते हैं कि जब किसी एडजेक्टिव में द लगा दिया जाता है तो प्लूरल हो जाता है। द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, है ना, तो ईमानदार लोग प्लूरल, द ऑनेस्ट आर पुअर, यहाँ आर पुअर होगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग बट स्नो ब्लैंक सिन। नथिंग नथिंग निगेटिव वर्ड है और इसको सिंगुलर माना जाता है, तो इसमें केवल एक ही है सिंगुलर वर्ब और वो है हैज। तो नथिंग बट स्नो हैज सिन मतलब स्नो के अलावे, बर्फ के अलावे, बर्फबारी के अलावे और कुछ भी नहीं देखा गया। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर देखा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। ही इज नोन, सब जानते हैं, ही इज नोन टू मी, ठीक है, ही इज नोन टू मी और कोई सुटेबल भी नहीं है, देख लीजिए, ही इज नोन ऑन मी, ही इज नोन विथ मी, ही इज नोन फ्रॉम मी, नहीं, ही इज नोन टू मी, वह मेरे द्वारा जाना जाता है या वह मुझे जानता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आइए। ही वेंट टू द विलेज ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल होता है, बिल्कुल एकदम क्लियर है कि वह विलेज गया, ऑन फुट गया, पैदल गया, तो ऑप्शन नंबर सी 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, द रैट इज एफ्रेड ऑफ कैट। एफ्रेड ऑफ मीन्स होता है का भय होना, द रैट इज एफ्रेड ऑफ द भय, द रैट इज एफ्रेड ऑफ कैट, यानी कि चूहे को बिल्ली का डर है, तो एफ्रेड ऑफ 42 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, ऑडिटोरियम का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको आप जाके भी मिला सकते हैं। प्रोफेसर का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोफेसर करेक्टली स्पेल्ट है। नाइबरिंग का ऑप्शन नंबर ए सही है, करेक्टली स्पेल्ट है। चलिए आइए अब मैं ट्रांसलेशन का कर देता हूँ। मेरे पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मतलब गाड़ी पहले खुली, मैं पहुँचा बाद में, लेट से जो पहुँचने वाली घटना होती है उसको पास्ट इंडिफिनिट में, और जो पहले वाली घटना होती है उसको पास्ट परफेक्ट में। तो ट्रेन पहले खुली, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम, इसमें हाउ टू अपने आप आता है, तो इसका बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसलेशन होता है, मैं चाय बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्विमिंग इज एन आर्ट, बिल्कुल ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, स्विमिंग तैरना, स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग एक कला है, तैरना एक कला है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, द पीपुल ऑफ ऑल रीजन्स लिव हेयर। देखिए मैंने पहले लिव्ड तो खैर नहीं होगा बिकॉज ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मैंने इसको क्यों हटाया, क्योंकि पीपुल है, द पीपुल प्लूरल है तो लिप्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये। आज बहुत गर्मी है, पूछते बोलते हैं आज गर्मी है, तो इट इज़ हॉट, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, इट इज़ हॉट टुडे, नेचुरल क्रिया, इट से बनेगा। तो 50 का ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा, वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ये ग्रामर पोर्शन पूछा गया था और उसका सॉल्यूशन किया गया। आगे भी मैं इसी तरह से सॉल्यूशन करता रहूंगा और आप लोगों के लिए लाता रहूंगा बेस्ट एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स। तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे ये दो मोटिवेटिव वीडियो जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स इट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।